और वही तो है जिसने समंदर को तुम्हारे इख्तियार में किया ताकि उसमें से ताजा गोश्त निकालकर खाओ और उससे जेवर मोती वगैरह निकालो जिसे तुम पहनते हो, और तुम देखते हो कि कश्तियां समंदर में पानी को फाड़ती चली जाती हैं, और इसलिए भी समंदर को तुम्हारे इख्तियार में किया कि तुम अल्लाह का फजल माश हासिल करो और ताकि उसका शुक्र करो, और उसी ने जमीन पर पहाड़ बनाकर रख दिए कि तुमको लेकर कहीं डोलने न लगे, और नदियां और रस्ते बना दिए ताकि एक मकाम से दूसरे मकाम तक आसानी से जा सको, और रस्तों में निशानात बना दिए, और लोग सितारों से भी रस्ते मालूम करते हैं। तो जो इतनी मखलूकात पैदा करे, क्या वो उस मखलूक जैसा हो सकता है जो कुछ भी पैदा ना कर सके? तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते? और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो गिन ना सको, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और जो कुछ तुम छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हो सबसे अल्लाह वाकिफ है, और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई चीज भी तो नहीं बना सकते बल्कि वो खुद बनाए जाते हैं, वो तो मुर्दा हैं बेजान, उनको तो ये भी मालूम नहीं कि उठाए कब जाएंगे।